हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द वृद्धि एकेडमी लास्ट मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी के थ्रू हम ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में जो हमारे सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं अब जैसे कि सबसे पहले बात आती है कि इनपुट फंक्शन क्या होता है पहले हम क्या करते हैं सिस्टम में इनपुट देते हैं तो ऐसी जब हम सी के प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसके लिए हमें कौन से फ़ंक्शन यूज़ करने होते हैं जो हमारे इनपुट लेते हैं मतलब जो हमारा इनपुट लेगा सिस्टम के थ्रू कीबोर्ड के थ्रू तो सबसे पहले होगा इनपुट फंक्शंस देन हमारा क्या होता है प्रोसेस होता है जो कि हम कहते हैं रन करते हैं कंपाइल करते हैं फिर हमारा आउटपुट फंक्शन के थ्रू आउटपुट हमारा प्रोड्यूस किया जाता है तो इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो हमारे सी में यूज़ होते हैं वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन सी अब जो सी लैंग्वेज है तो जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं सी लैंग्वेज में तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फाइल्स में हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस यूज़ होते हैं कौन सी फ़ाइल हैडर फाइल्स हमें इंक्लूड करनी होती है और कौन सी हैडर फाइल में हमारे कौन से इनपुट आउटपुट फंक्शंस डिक्लेयर होते हैं कौन सी हमें प्रोग्रामिंग में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है फिर बात आती है कि हम कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं आउटपुट के लिए तो द फर्स्ट वन इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ डेटा रेफर्स टू इनपुट जो हम एक्सेप्ट करते हैं डेटा को इन अ सी प्रोग्राम उसको हम इनपुट बोलते हैं एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू द आउटपुट तो आउटपुट हमारा क्या होता है जो हम प्रेजेंट करते हैं डेटा आफ्टर द कंपाइलेशन एंड रनिंग द प्रोग्राम उसको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को हम क्या बोलेंगे आउटपुट और जो हम एक्सेप्ट करते हैं प्रोग्राम में सी प्रोग्राम्स में उसको हम बोलते हैं इनपुट तो इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से यूज होते हैं द सी प्रोग्राम एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड डिस्प्लेस आउटपुट ऑन द स्क्रीन तो जो सी प्रोग्राम होते हैं वो कैसे लेता है इनपुट कीबोर्ड से इनपुट लेता है और डिस्प्ले किस पे कराता है वो हमारी स्क्रीन पर हमारा जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद हमारा आउटपुट स्क्रीन पे शो करता है द सी प्रोग्राम परफॉर्म्स इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन यूजिंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस अब सी प्रोग्राम्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन किसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट इनपुट आउटपुट फंक्शंस के थ्रू Next is. टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस इन सी सी लैंग्वेज में सी लैंग्वेज से हमें बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं सो so, स्टूडेंट्स आप कंटिन्यूटी बनाए रखें वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको फंक्शंस ईजिली अच्छे से समझ में आ जाए क्योंकि अगर हमारे सी लैंग्वेज के फंक्शन समझ में आ जाते हैं इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन के बारे में समझ में आ जाएगा तो आपको आगे जो लैंग्वेज हैं उनके बारे में बहुत ईजीली आप उसको कैच कर पाओगे ईजिली अडॉप्ट कर पाओगे तो सी तो लैंग्वेज हमारे बेसिक प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स को डिफाइन करता है तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमारे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस के यहाँ पर हमारे दो मेनली टू टाइप्स के फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन बात करते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं फॉर्मेटेड का मतलब है फॉर्मेटेड फंक्शंस बेसिकली प्रेजेंट्स और एक्सेप्ट्स द अवेलेबल डेटा अवेलेबल डेटा विच इज़ इनपुट वो एक्सेप्ट किसमें करता है डेटा को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है डेटा को इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं फॉर्मेट फंक्शंस बोलते हैं मतलब जिस फंक्शन में हमारा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज होता है डेटा टाइप यूज़ होता है उस वो हमारा इनपुट लेगा किस एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इन सी कंटेन वेरियस फंक्शंस फॉर द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन्स अब जो हमारे सी में लाइब्रेरीज़ हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं जिसके जहाँ पर हमारी लाइब्रेरीज़ में हेड्रा फाइल्स इस्टोर होती हैं वहाँ पर हमारे बहुत सारे फंक्शंस हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं दीज फंक्शंस हेल्प्स अ प्रोग्रामर फॉर्मेट द फंक्शंस इन इन देअर डिज़ायर्ड फॉर्मेट तो ये सारे फंक्शनस क्या डिफाइन करते हैं हेल्प करते हैं प्रोग्रामर्स की कि वो फॉर्मेट कर सके उस फंक्शन को किसके डिपेंड किसके डिपेंडेंसी से यूज़र के डिपेंडेंसी से यूज़र के डिज़ायर्ड फॉर्मेट में वो उसको चेंज कर सके तो फर्स्ट वन इज़ प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ आर यूज एज अ फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन तो प्रिंट एफ फंक्शन और स्कैन एफ फंक्शन हमारे दो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं प्रिंट एफ हमारा आउटपुट फंक्शन है डिस्प्ले करता है हमारा आउटपुट और स्कैन एफ फंक्शन हमारा रीड करता है इनपुट को तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन हमारे टू टाइप्स के हैं हम प्रिंट एफ स्कैन एफ फंक्शन को केस सेंसिटिव के रूप में ही लेते हैं क्योंकि सी लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है इसलिए हमारा पी भी स्मॉल में आएगा पूरा कंप्लीट जो फंक्शन नेम है वो हमारा स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाएगा प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फंक्शन फर्स्ट वन इज़ प्रिंट एफ फंक्शन शोइंग आउटपुट विद द प्रिंट एफ फंक्शन प्रिंट फंक्शन क्या है हमारा आउटपुट फंक्शन है ये हमारा आउटपुट को शो करता है इट इज़ यूज टू डिस्प्ले एनी वैल्यू कोई भी वैल्यू जो कि हमारी स्पेसिफाइड होगी स्पेसिफिक फॉर्मेट में हमने डिफ़ाइन किया होगा लाइक like, हम फ्लोट में अगर डिफाइन कर रहे हैं कोई भी वैल्यू को कोई भी वेरिएबल में हम अगर वैल्यू को इंजर्ट करा रहे हैं फ्लोट टाइप का हो चाहे वो इंटीजर टाइप का हो चाहे वो करेक्टर टाइप का हो चाहे वो स्ट्रिंग टाइप की हो वो हमारी कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है डिस्प्ले कराता है आउटपुट को शो कराता है इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन डेट इज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन द एस टी डी आई ओ डॉट एच हैडरफाइल ये हमारा प्रिंट फंक्शन जो है प्री डिफाइंड फंक्शन है क्योंकि हमारा ये पहले से ही कहाँ पर डिक्लेयर किया गया है एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है फाइल में वो स्टोर है प्री डिफाइंड फंक्शन है उसकी जो सिंटेक्स है वो प्री डिफाइंड है उसी सिंटेक्स में आपको उसको शो करना होगा उसी सिंटेक्स में आपको उसको यूज़ करना होगा अपने प्रोग्राम्स के अंदर तो सिंटेक्स देख लेते हैं सिंटेक्स वन इज़ टू डिस्प्ले एनी वेरिएबल वैल्यू जो वेरिएबल वैल्यूज हम डिफाइन करेंगे लाइक इंटीज़र टाइप का मैंने एक ए वेरिएबल डलेयर किया उसमें मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज किया एज अ टेन अब हमें वो टेन वैल्यू ए की जो वैल्यू है इंटीजर टाइप की है टेन उसको हमें प्रिंट कराना है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर आता है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए परसेंटाइल डी परसेंटाइल आई परसेंटाइल एल डी लॉन्ग इंटीजर के लिए तो वेरिएबल का हमें नेम देना होता है उससे पहले हमें प्रिंट देन ब्रैकेट ऑपन देन इन्वर्टेड कॉमा देन हम फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन करेंगे फॉर सिंगल वेरिएबल नेम मतलब सिंगल के लिए सिंगल फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करते हैं तो वेरिएबल वन के लिए जो हमने वेरिएबल वन को डिक्लेयर किया होगा कि इस डेटा टाइप का है वो उसी डेटा टाइप का हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना होता है और लास्ट में हमारा क्या होगा सेमिकॉलन नेक्स्ट सेकेंड सिंटेक्स है हमारा कोई भी हमें स्ट्रिंग जो है कोई भी हमें कोई मैसेज सिंपल स्ट्रिंग हमें डबल कोटोज़ के अंदर हमें उसको लेकर प्रिंट कराना है मतलब जो हम ये दे रहे हैं ना एंटर द टेक्स्ट विच यू वांट टू डिस्प्ले ये जहाँ डबल प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करके हम ब्रैकेट ओपन करेंगे देन डबल कोटोज हमारा प्रिंट एफ फंक्शन हो चाहे वो स्कैन एफ फंक्शन हो वो हमारे डबल कोटोज यूज़ होते हैं तो जो हम डबल कोटेशन के अंदर हम लिखते हैं वो हमारी स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग को हमारा आउटपुट स्क्रीन पर शो करेगा तो ये हो गया लास्ट में हमारा जो प्रिंट एफ फंक्शन स्टेटमेंट्स हैं ये हम कैसे क्लोज करते हैं बाई यूजिंग द सेमिकॉलन तो सेमी कॉलन लगाने से आपकी एरर कोई नहीं आएगी प्रिंट फंक्शन में भी हम सेमी कॉलन का यूज करेंगे हम इनपुट आउटपुट फंक्शन में लास्ट में कॉलन का यूज जरूर करते हैं नेक्स्ट वन इज हम कैसे इनपुट हम कैसे इनपुट लेते हैं स्कैनरफ फंक्शन के थ्रू हम इनपुट लेंगे हम इनपुट लेते हैं स्कैनरफ फंक्शन के यूज़ से स्कैनर फंक्शन हमारा इनपुट फंक्शन कहलाया जाता है ये रीड करता है वैल्यूज़ को रीड करता है करेक्टर्स को रीड करता है ये स्ट्रिंग्स को फ्रॉम द कीबोर्ड जो कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं यूज़र टाइप करता है वो हमारा स्कैनर फंक्शन यूज़ किया जाता है सी प्रोग्राम के अंदर इनपुट लेने के लिए टेकिंग इनपुट विद द स्कैनर फंक्शन स्कैनर फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग और टेकिंग एनी वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड बाय द यूजर्स तो स्कैन फंक्शन क्या करता है रीड करता है वैल्यू को लेता है और कीबोर्ड से लेता है बाय द यूजर जो कि यूजर हमारा टाइप करेगा तो स्कैन फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन क्या होता है स्कैन फंक्शन हमारा डिक्लेयर किया जाता है किस में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है तो ये हमारा एस टी डी आईओ डॉट एच हेड्रो फाइल में डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी इट इज प्रीडिफाइंड वी यूज़ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर अब प्रिंट में हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ नहीं होता है स्कैन एफ में हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जब हम वेरिएबल्स के साथ में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स लिखेंगे तो वो उसी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन पर जो हम इनपुट देंगे वो वहाँ स्टोर करा देगा वी यूज़ एड्रेस ऑफ़ ऑपरेटर विच इज़ यूज टू स्टोर द वेरिएबल वैल्यूज़ ऑन द मेमोरी लोकेशन ऑफ डेट वेरिएबल जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल हमने एक ए लिया ए वेरिएबल लिया हमने उसको निशलाइज़ नहीं किया हमने उसको इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया अब हमें ए वैल्यू ए जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू इनपुट करानी है ऑन द कंसोल स्क्रीन आउटपुट के टाइम पर तो हम कैसे कराते हैं स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करके तो इस सिंटेक्स देख लेते हैं सिंटेक्स से है हमारा हम इसमें क्या करते हैं स्कैन फंक्शन के थ्रू यूज़र इनपुट करता है वेरिएबल की वैल्यूज़ को एड्रेस ऑफ ऑपरेटर उसकी लोकेशन बताता है उसकी लोकेशन पर हमारा मेमोरी एड्रेस पे उस मेमोरी एड्रेस पर सेव करता है और इस फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पर कि वो हमारा वेरिएबल किस डेटा टाइप का है उसी डेटा टाइप के वेरिएबल में वो उसी वेरिएबल नेम के मेमोरी एड्रेस पे उस वैल्यू को स्टोर कराता है तो स्कैनरफ फंक्शन क्या होता है यूज़र जब आउटपुट स्क्रीन होती है आउटपुट कंसोल इनपुट कंसोल आउटपुट पे हमारी वैल्यू देनी होती है किसी भी वेरिएबल की तो वो वहाँ पर स्कैनर फंक्शन का यूज़ कराते हैं ये था हमारा प्रिंट एंड स्कैन एफ़ हमारे फॉर्मेटेड फंक्शंस थे क्योंकि इसमें हम क्या यूज़ करते हैं एक फॉर्मेट एक फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं दोनों ही हमारे एक इनपुट फंक्शन है एक हमारा आउटपुट फंक्शन है प्रिंट हमारा आउटपुट फंक्शन है स्कैनएफ़ हमारा इनपुट फंक्शन है अब बात करते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस की अनफॉर्मेटेड में क्या होता है हमें कोई फॉर्मेट नहीं देना है सिर्फ और सिर्फ या तो हमारे करेक्टर होंगे या फिर हमारे स्ट्रेंग्स होंगे जो हमारे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के थ्रू हमारा डिस्प्ले किए जाते हैं या रीड किए जाते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस आर यूज्ड ओनली फॉर करेक्टर डेटा टाइप और करेक्टर एरे और स्ट्रिंग मींस हमारे जो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं वो किस लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दो टाइप के डेटा टाइप के लिए यूज़ हुआ है एक तो करेक्टर टाइप डेटा टाइप सी एच ए आर जिसे हम बोलते हैं और एक एरे या फिर कोई स्ट्रिंग एरे और स्ट्रिंग के लिए भी हमारा एरे जब हम कैर के साथ कैर डेटा टाइप के साथ एरे डिफाइन करते हैं तो वो हमारा स्ट्रिंग लेता है एंड कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर डेटा टाइप तो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में हम सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के डेटाज को दे सकते हैं कैरेक्टर और एरे स्ट्रिंग एंड कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर डेटा टाइप दीज फंक्शंस आर यूज टू रीड सिंगल इनपुट फ्रॉम द यूजर एट द कंसोल ये हमारे फंक्शंस किस लिए यूज़ किए जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल इनपुट लेने के लिए यूज़र से कंसोल टाइम पे आउटपुट के टाइम पर रीड करता है ये वैल्यू को एंड इट अलाउज टू डिस्प्ले द वैल्यू एट द कंसोल और ये अलाउ भी करता है हमारा डिस्प्ले भी कराता है वैल्यू एट द कंसोल टाइम तो ये था हमारा अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस अब हम इन्हें अनफॉर्मेटेड क्यों बोलते हैं वाई दे आर कोल्ड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि दीज फंक्शंस आर कोल्ड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस बिकॉज हम इसमें क्या यूज़ नहीं करते हैं स्पेसिफायर्स यूज़ नहीं करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज वी कैन नॉट यूज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इन दीज फंक्शंस इसलिए हम इसको अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन बोलते हैं अब अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन हमारे कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज गेट सी एच सेकेंड वन इज गेट सी एच ई थर्ड वन वन इज इज गेट केयर फोर्थ पुट केयर फिफ्थ वन 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 इज 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 गेट्स एंड एंड पुट्स पुट सी एच अब ये जितने भी फंक्शंस हैं हमारे स्मॉल लेटर्स में लिख के जाते हैं इसमें से हमारे कुछ इनपुट फंक्शंस हैं कुछ हमारे आउटपुट फंक्शंस हैं देख लेते हैं फर्स्ट वन इज गेट सी एच फंक्शन गेट सी एच फंक्शन रीड्स अ सिंगल करेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड बाय द यूजर बट डज नॉट डिस्प्ले डेट करेक्टर ऑन द कंसोल स्क्रीन गेट सी एच फंक्शन क्या करता है एक सिंगल करेक्टर को रीड करता है जो कि हम री यूज़र प्रोवाइड करता है की बोर्ड के थ्रू बट वो कंसोल टाइम पर आउटपुट के टाइम पर उसको शो नहीं करता डिस्प्ले में शो नहीं करेगा एंड इमिडिएटली रिटर्न विदाउट प्रेसिंग एंटर की और क्या करता है रिटर्न हो जाता है फंक्शन से वापिस आ जाता है और विदाउट एनी प्रेसिंग एनी एंटर की कोई भी हम एंटर की प्रेस करेंगे तो वो इमीडिएटली रिटर्न करता है विदाउट प्रेसिंग सॉरी इमीडिएटली रिटर्न विदाउट प्रेसिंग एंटर की और उस फंक्शन को रीड करते ही वो रिटर्न कर जाता है हम जब तक की एंटर की प्रेस भी नहीं करते हैं दिस फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन कोनियो डॉट एच हैडर फाइल अब ये फंक्शन हमारा किस में डिकलेर्ड है कोनियो डॉट एच हैडरफाइल में डिक्लेयर्ड है तो जिस जब हम गेट सी एच फंक्शन का यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें उससे पहले इंक्लूड करनी होगी कौन सी हैडर फाइल कोनियो डॉट एच तो अगर हमें अनफॉर्मेटेड या फॉर्मेटेड फंक्शंस यूज़ करने हैं तो हमें दोनों की दोनों हेडर फाइल्स हमें इंक्लूड करनी होगी एस टी डी आई ओ डॉट एच एंड सेकेंड वन इज कॉनियो डॉट एच तो कॉनियो डॉट एच में हमारा गेट सी एच फंक्शन डिक्लेयर्ड है अब इसका सिंटेक्स क्या है गेट सी एच इज़ आल्सो यूज फॉर होल्ड द स्क्रीन अब जब हमारा आउटपुट हो प्रेजेंट होता है जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उसकी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए भी हम गेट सी एच फंक्शन का यूज़ करते हैं अगर आप ट्राई करें कि अगर हम आप ट्राई करना अगर हम किसमें टर्बोसी में अगर हम अगर हम गेट सी एच फंक्शन यूज़ नहीं करते हैं और हम एग्जीक्यूट कराते हैं रन कराते हैं प्रोग्राम को तो हमारा एकदम आउटपुट स्क्रीन आएगी और डिस्प्ले हमारा एकदम चला जाएगा अगेन हमारा किस पे आ जाएगा वो रीड मोड पे आ जाएगा सोर्स कोड पे आ जाएगा तो गेट सी एच इज़ आल्सो यूज फॉर होल्ड द स्क्रीन गेट सी एच लगाने से हमारी जो स्क्रीन है आउटपुट कंसोल स्क्रीन है वो हमारी होल्ड करके रखता है नेक्स्ट इज नेक्स्ट फंक्शन है हमारा गेट सी एच ई फंक्शन गेट सी एच ई फंक्शन रीड्स अ सिंगल करेक्टर फ्रॉम द की बोर्ड बाय द यूजर अब गेट सी एच बी और गेट सी एच ई फंक्शंस भी दोनों हमारे सिंगल करेक्टर को रीड करते हैं बट गेट सी एच फंक्शन हमारा डिस्प्ले नहीं कराता है कंसोल स्क्रीन पर आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं कराता है जो भी हमारा वो कीबोर्ड से रीड करता है लेकिन गेट सी एच ई फंक्शन रीड्स करता है सिंगल करेक्टर और डिस्प्ले भी कराता है हमारा कंसोल स्क्रीन पे एंड इमीडिएटली रिटर्न विदाउट प्रेसिंग द एंटर की और ये रिटर्न कर जाता है हमें जब तक एंटर की प्रेस भी नहीं करनी होती है वो रिटर्न कर जाता है फंक्शन से दिस फंक्शन इज़ डिक्लेयर्ड इन कोनियो डॉटेज फाइल सी एच ई फंक्शंस भी हमारे कौन सी हेडर फाइल में इंक्लूड है प्री डिफाइंड फंक्शन है ये भी हमारा तो ये कौन सी फाइल में है हमारा कोनियो डॉट एच इसका सिंटेक्स क्या रहेगा जहाँ पर जैसे हम गेट सी एच लगाते हैं लास्ट में प्रोग्राम के रिटर्न से जीरो रिटर्न फंक्शन से पहले हम गेट सी एच फंक्शन का यूज करते हैं अगर हमारा मेन फंक्शन इंटीजर टाइप का है तो वो ऑब्वियस है वैल्यू कोई रिटर्न करेगा तो रिटर्न फंक्शन के पहले ही हमारा गेट ch फंक्शन यूज होता है और गेट ch एच -E फंक्शन भी हमारा रिटर्न से पहले यूज होता है अगर हम फंक्शन मेन फंक्शन void टाइप का ले रहे हैं तो हमें वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती है जैसे कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं सी में फिर पहले तो देख लेते हैं ना इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं नेक्स्ट वन इज़ थर्ड वन है हमारा गेट केयर फंक्शन गेट कैर फंक्शन क्या करता है गेट कैर फंक्शन इज यूज टू रीड ओनली अ फर्स्ट सिंगल करेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड वेदर मल्टीपल करेक्टर्स इज टाइप्ड बाय द यूजर गेट कैर फंक्शन क्या करता है जो हम पहले की प्रेस करते हैं पहले करेक्टर हम प्रेस करते हैं उस करेक्टर को लेगा हम चाहे कितने भी करेक्टर टाइप कर लें उसके बाद में उसको नहीं लेगा तो फर्स्ट वन करेक्टर ही वो पिक करता है तो गेट केयर फंक्शन रीड्स वन करेक्टर एट अ टाइम अनटिल एंड अनलेस द एंटर की इज प्रेज गेट केयर क्या करता है सिर्फ और सिर्फ एक ही करेक्टर लेता है जब तक कि हम एंटर की प्रेस नहीं कर देते हैं गेट केयर फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन एस टी डी आई ओ डॉट एच हैडरफाइल गेट केयर फंक्शन हमारा किस में है, है कौन सी हैडरफाइल में डिक्लेयर्ड है प्री डिफाइंड फंक्शन है ये हमारा लेकिन अनफॉर्मेटेड फंक्शन है ये हमारा एस टी डी आई ओ डॉट एच हैडरफाइल में हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है प्री डिफाइंड फंक्शन है अब सिंटेक्स क्या है इसका वेरिएबल नेम जो हम वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने उसमें हम वैल्यू गेट केयर जो हम इनपुट करेंगे उसको रीड करेगा और उस वेरिएबल में हमारा होल्ड करेगा वैल्यू गेट कैर जो है हमारा एक करेक्टर लेगा सिंगल करेक्टर लेगा और वो किस में असाइन कर रहा है उसकी वैल्यू वेरिएबल नेम जो हम वेरिएबल नेम स्टार्टिंग में डिफाइन डिफाइन कर कर चुके चुके होंगे हम उसको डेटा टाइप का हैं कैर टाइप का क्योंकि हमें करेक्टर चाहिए गेट कैर क्या करता है रीड करता है सिंगल करेक्टर को तो हम डेटा वेरिएबल किस डेटा टाइप का लेंगे वेरिएबल भी हम कैर डेटा टाइप का ही लेंगे नेक्स्ट फंक्शन एज पुट कैर फंक्शन पुट कैर फंक्शन हमारा प्रिंट प्रिंट कराता है वैल्यू को डिस्प्ले कराता है तो ये हमारा कैसा फंक्शन है आउटपुट फंक्शन है गेट कैर हमारा कैसा फंक्शन था इनपुट फंक्शन था क्योंकि वो रीड कर रहा था वैल्यू को पुट कैर हमारा डिस्प्ले करा रहा है वैल्यू को तो वो हमारा कैसा फंक्शन है हमारा आउटपुट फंक्शन है पुट कैर फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले अ सिंगल करेक्टर एट अ टाइम बाय पासिंग डेट करेक्टर डायरेक्टली टू इट तो हम ये भी हमारा क्या कराता है सिंगल करेक्टर डिस्प्ले कराता है पुट गेट कैर क्या करता था सिंगल करेक्टर इनपुट करता कराता था और गेट पुट कैर हमारा क्या कराता है सिंगल करेक्टर को आउटपुट प्रेजेंट करता है डिस्प्ले कराता है और बाय पासिंग अ वेरिएबल डेट हैज़ ऑलरेडी स्टोर्ड इन अ डेट डेट हैज़ ऑलरेडी स्टोर्ड अ करेक्टर और उस वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं हम इसमें जो कि ऑलरेडी एक करेक्टर को स्टोर कर रहा है इट इज डिक्लेयर्ड इन एस टी डी आई ओ डॉट एच ये कहाँ पर डिक्लेयर है हमें हमारा ये हमारा कौन सी हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड है ये हमारा एस टी डी आई ओ डॉट एच हेड्रोफाइल में डिक्लेयर्ड है प्री डिफाइंड है सिंटेक्स क्या है इसका पुट कैर अब देखो इसमें हमें किसी भी ना ही गेट कैर में ना ही गेट सी एच में ना ही गेट सी एच ई में ना ही गेट कैर में और ना ही पुट कैयर में कोई से भी फंक्शन में हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी इसकी नीड नहीं है इसलिए हम इनको अनफॉर्मेटेड बोलते हैं तो पुट कैर वेरिएबल नेम जो वेरिएबल नेम में हमारी कोई करेक्टर वैल्यू है वो ले रहा है वो उसको प्रिंट करा देगा तो जो इस वेरिएबल नेम में जो हम नेम देंगे वेरिएबल का वही वैल्यू को उसी करेक्टर को प्रिंट करा देगा नेक्स्ट गेट्स फंक्शन गेट्स फंक्शन क्या करता है गेट्स फंक्शन रीड्स अ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स और अ स्ट्रिंक फ्रॉम द की बोर्ड बाय द यूजर्स एंड दीज करेक्टर्स गेट स्टोर्ड इन अ करेक्टर एर ए अब बात करते हैं गेट्स फंक्शन की गेट्स फंक्शन क्या करता है पुट कैर एंड गेट कैर ये हमारे सिंगल करेक्टर को रीड करते थे और डिस्प्ले करते थे लेकिन गेट्स फंक्शन क्या है हमारा इनपुट फंक्शन है हमारी वैल्यू को रीड कर रहा है रीड कर रहा है मीन्स वो कीबोर्ड से वैल्यू को ले रहा है और कहाँ पर दे रहा है वो कहाँ पर स्टोर करा रहा है उस वेरिएबल स्ट्रिंग में वेरिएबल एरे जो हमने करेक्टर एरे टाइप का हमने डिक्लेरेशन किया है स्टार्टिंग में उसमें हमारी स्ट्रिंग को ये क्या करता है रीड करता है तो हम जब हमारा ग्रुप ऑफ करेक्टर्स होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं स्ट्रिंग बोलते हैं तो इसलिए हमारा गेट्स फंक्शन हमारा क्या लेता है इनपुट फंक्शन है ये हमारा क्या लेता है स्ट्रिंग को लेता है ये हमारा स्ट्रिंग जो हमारी स्टोर्ड है किसी भी करेक्टर एरे में गेट्स अलाउ गेट्स फंक्शन अलाउ अस टू राइट स्पेस सेपरेटेड टेक्स्ट और स्ट्रिंग्स अब गेट्स फंक्शन जो क्या करता है अलाउ करता है हमारे एक वर्ड के बाद जब हम दूसरा वर्ड लिखते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं रीड्स के बाद स्पेस है देन 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 ए है then, space, then, है स्पेस ग्रुप तो ये क्या है एक हमारी रीड्स का ग्रुप एक रीड्सिंग है तो ये क्या करता है वाइट स्पेसिस भी अलाउ करता है टेक्स्ट और स्ट्रिंग्स के बीच में इट इज डिक्लेयर्ड इन एस टी डी आई ओ डॉट एच है कहाँ पर हमारा डिक्लेयर्ड है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइफ री फंक्शन में सॉरी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स में ये हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है नेक्स्ट सिंटेक्स देख लेते हैं हमने एक कैड टाइप का लिया वेरिएबल एस टी आर नेम से और लेंथ उसमें हमने डिफ़ाइन कर दी मान लिया कैर एस टी आर मैं फिफ्टी लेंथ दे देती हूँ फिफ्टी नंबर्स दे देती हूँ वो एरे हो गया हमारा मतलब हम फिफ्टी करेक्टर्स तक की वैल्यूज़ हम इंसर्ट करा सकते हैं और उसमें हमारा वाइट स्पेस जो हम देते हैं वो भी काउंट होता है तो कैर स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन नंबर्स हमें क्या लिखना है स्ट्रिंग का लेंथ लिखना है कि वो नंबर्स में हो मैंने फिफ्टी ले लिया अब हम 50 करेक्टर्स का वर्ड ले सकते हैं विद इंक्लूडिंग हम उसमें क्या करते हैं स्पेस को भी काउंट करते हैं तो गेट्स फिर हम क्या करेंगे एस टी आर जो हमारा वेरिएबल नेम है उसको लिखेंगे और वो हमारा उसको सेमिकॉलन से एंड कर रहा है तो गेट्स फंक्शन हमारा इनपुट लेगा जो हम स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग वेरिएबल में हम जो भी हम स्ट्रिंग वैल्यू देंगे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इनपुट कराएंगे कीबोर्ड से नेक्स्ट वन इज पोट्स फंक्शन पोट्स फंक्शन हमारा किस लिए यूज किया जाता है ये हमारा आउटपुट फंक्शन है पोट्स फंक्शन हमारा यूज किया जाता है डिस्प्ले कराने के लिए अ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स और आई स्ट्रिंग्स विच इज़ ऑलरेडी स्टोर्ड इन अ करेक्टर एरे जो कि हमारा ऑलरेडी स्टोर्ड है हमारा एक करेक्टर एरे डिफाइन जो हमने किया है जैसे कि अभी प्रीवियस में मैंने आपको बताया कैसे हम डिफाइन करते हैं ऐसे ही हम एक एरे टाइप का करेक्टर टाइप का डेटा टाइप रिटर्न कर रहे हैं कैर कैरेक्टर हम लेते हैं स्ट्रिंग जो कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स है वो हमारा स्ट्रिंग हो जाता है तो जब हम उसको पुट्स कराएंगे डिस्प्ले कराएंगे तो हम एक पुट्स लेंगे कीवर्ड है ये हमारा पुट्स पोट्स कीवर्ड लिया देन हमारा एक ब्रैकेट ओपन हुआ देन आइडेंटिफायर नेम इसलिए कहा है क्योंकि आइडेंटिफायर हमारा एक एरे है करेक्टर एरे टाइप है वो हमने यहाँ पर दिया और देन हम उसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे देन सेमिकोलन तो जो हमारा करेक्टर एरे में हमारी स्ट्रिंग स्टोर्ड है वो उसको डिस्प्ले कराएगा और ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है हम इसमें अन हम इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का भी यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे अनफॉर्मेटेड है नेक्स्ट लास्ट वन इज़ पुट कै नेक्स्ट लास्ट वन इज़ पुट सी एच फंक्शन अब पुट सी एच फंक्शन क्या करता है पुट सी एच फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले अ सिंगल करेक्टर जैसे हमारा डेट सी एच फंक्शन एक सिंगल करेक्टर को रीड कराता था पुट सी एच फंक्शन हमारा डिस्प्ले कराता है एक सिंगल करेक्टर को विच इज़ गिवन बाय द यूज़र एंड डेट करेक्टर प्रिंट्स एट द करंट कर्सर लोकेशन जहाँ पर हमारा कर्सर होगा उसी लोकेशन पर हमारा उसी करंट कर्सर लोकेशन पे हमारा करेक्टर को वो प्रिंट कराएगा इट इज़ डिक्लेयर्ड इन कोनियो डॉट एच हैडर ये कहाँ पर डिक्लेय है हमारा पुट सी एच फंक्शन एक हेडरफाइल में हमारा डिक्लेयर्ड है सिंटेक्स क्या है इसका हम पुट सी एच लिखेंगे तो ये था हमारा फंक्शंस पुट सी एच फंक्शन पुट सी एच फंक्शन डिस्प्ले कराता है गेट सी एच फंक्शन हमारा रीड करता है गेट सी एच ई फंक्शन भी हमारा रीड करता है तो ये थे हमारे क्या अनफॉर्मेटेड एंड फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगी प्रैक्टिकली कैसे हम इनका यूज़ करते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय